बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं कैसर खान। एक बहुत बड़ी अच्छी खबर, गुड न्यूज़ आपके सामने लेकर आया हूं और वो नीदरलैंड के हवाले से है। बहुत अच्छी सपोर्ट है, बहुत अच्छा पैकेज है, बहुत अच्छा आपके लिए ऑफ़र है जो ख़ुद ये गवर्नमेंट आपके सामने लेकर आई है। और मैं आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ ताकि आप इससे मुस्तफ़ीद हों। लेकिन इससे पहले कि हम इसके ऊपर जाएं, हम थोड़ी सी बात कर लें इस हवाले से कि आप लोग क्या किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या आपको बेनिफिट्स होंगे। और हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड की, जिसके ईस्ट में जर्मनी है, जिसके साउथ में बेल्जियम है और ये एक शेंजन स्टेट है। और इसका जो मामला है, इसमें जो पॉपुलर सेक्टर्स हैं, इसमें टेक्नोलॉजी आता है, इनोवेशन आता है, फूड एक्सपोर्ट आता है, प्रोडक्शन आती है, एग्रीकल्चर भी यहाँ पर मौजूद है। आपके इल्म में होना चाहिए तमाम बातें जब आप इसके अंदर जा रहे हों। जो आपको मज़ीद पता होना चाहिए वो ये कि यहाँ पर सैलरी का ओवरऑल मामला क्या होता है, कितनी सैलरी मिल जाती है मैक्सिमम एंड प्लस माइनस। तो उसमें जो एनुअल ग्रॉस सैलरी बनती है वो बनती है आपकी 36,500 यूरो, जिसके अंदर आप उसको अगर काट पीट के बनाएं, यानी कि टैक्स वगैरह काट लें, तो तकरीबन ये आ जाती है कोई 30,000 के आसपास। अगर आप आपको मिलती है पूरी एनुअल सैलरी 37,000 अगर आपको मिलती है यूरो पर सालाना, जो कि एवरेज सैलरी है, तो आपको 27,900 यूरो जो है वो आपको ये पूरी मिल सकती है। इसमें आपके जो मज़ीद मिलता है वो 8% आपको हॉलीडेज़ के जो अलाउंस है वो भी मिलते हैं। अब आप मिनिमम सैलरी की बात करते हैं कि भाई अगर बिल्कुल कुछ ज़ीरो की सैलरी हो, बिल्कुल कम लो कैटेगरी में सैलरी हो, तो उसमें कितनी सैलरी मिलेगी, तो आपके माइंड में होना चाहिए वो तकरीबन 1750 यूरो पर मंथ जो है वो आपको सैलरी मिल सकती है, या तकरीबन आप कह सकते हैं कि एवरेज 12 यूरो पर आर जो है वो सैलरी मिलती है, आपके इल्म में होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, फ़ौरन से पहले कि हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम आ जाते हैं उस वेबसाइट के ऊपर जो अब इसने लॉन्च कर दी है, ताकि आप लोगों को मोटिवेट किया जाए कि आप नीदरलैंड में अप्लाई करें। आपको अट्रैक्ट किया जा रहा है कि आप अगर यूरोप की तरफ सोच रहे हैं तो आप नीदरलैंड में अप्लाई करें। नीदरलैंड में अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं डाल रहा हूँ अपने फर्स्ट कमेंट के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, लेकिन आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आपके सामने मैंने वेबसाइट खोल ली है और वो है वेलकम टू नीदरलैंड। यहाँ पर इंटरनेशनल जॉब्स इन द नीदरलैंड्स आपके सामने खुल चुकी है। यहाँ पर आप आ चुके हैं जहाँ पर बताया जा रहा है कि आप इंटरनेशनल जॉब्स के हवाले से आप इसको देखेंगे। सर्च में है 1360 कंपनीज़ हैं जिसके अंदर आपने अप्लाई करना है, आप कर सकते हैं, और 6295 जॉब्स हैं जो कि नीदरलैंड में अवेलेबल हैं। आप टिप्स दे सकते हैं, ये टिप्स नीचे आ रही हैं। आपके पास जॉब फंक्शंस हैं, आपके पास रीजन है, आप रीजन वाइज भी जॉब ढूंढ सकते हैं, ये भी आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना जॉब जो फंक्शंस हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, आप कस्टमर में हैं, आप डेटा साइंस में हैं, डिज़ाइनिंग में हैं, आईटी में हैं, लीगल में हैं, मार्केटिंग में हैं, ऑपरेशन में हैं, या पीपल एंड एचआर में हैं, या क्वालिटी इंश्योरेंस में हैं, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट में हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या आप और कुछ हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। तो आपको अपनी फील्ड के अंदर अप्लाई करना है। अब मान लीजिए मैं कोई भी कर देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेशन है, एचआर मार्केटिंग है, या सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट है, जो लोग नॉर्मली कर रहे होते हैं, तो वो कंपनी हमारे सामने खुल जाती हैं। ये आप कंपनीज देख रहे हैं, ये हमारे सामने कुछ खुल गई हैं, लेकिन ये सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि नीचे नज़र आ रहा होगा आपको कि ये 1, 2, 3, 4, 500 और फिर नेक्स्ट चल रहा है। तो कंपनी ऑफर जो आपको मिलती रहेंगी, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अब ये पंडोरा कंपनी है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, क्या बोलता है ये, इसको क्या चाहिए और किस तरह चाहिए। तो यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पंडोरा की जो ये वेबसाइट है ये खुल जाती है। तो हम यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि ये कहता है कि जी हमको क्या चाहिए, सेल्स असिस्टेंट चाहिए, मेल हो या फीमेल हो, वीकेंड जीरो ये चाहिए। उसके अलावा आप ये देखिएगा कि डेडलाइन ऑफ एप्लीकेशन वगैरह 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 सब कुछ दिया हुआ है, आपको तमाम मालूमात दी हुई है, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, आप इसे कर सकते हैं। अप्लाई नाउ के ऊपर बटन दबाएंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो इट्स अ वेरी इजी टास्क, आप कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम करके देख ही लेते हैं, आपको मैं ज़्यादा डिटेल में लेकर नहीं जाऊँगा, आप फिक्र नहीं कीजिएगा। इंग्लिश जो है वो हमारी ज़बान होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर अप्लाई करने का जो प्रोग्राम है वो कैसे है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटी सेल्स असिस्टेंट है, इसमें मर्द हो या खावतीन कर सकती हैं,
और उसका जो रेफरेंस नंबर है वो भी होना चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस एंड एवरीथिंग। फिर आपने अपनी सीवी अटैच करनी है और सीवी अटैच करके आपने यहाँ पर अप्लाई कर देना है, आपका अप्लाई हो जाएगा और इस कंपनी में आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। कुछ जगह पर जाएंगे तो आप वहाँ पर लिंक्डइन के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अगर यहाँ से अप्लाई करेंगे अपलोड रिज्यूमे तो आपका रिज्यूमे चला जाएगा। रिज्यूमे जो ना, रिज्यूमे में गड़बड़ मत कीजिएगा, रिज्यूमे जो है आपका यूरोपियन बेस होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि ये भी देखा करें कि आप अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, मतलब आप जर्मनी में अप्लाई कर रहे हैं या आप नीदरलैंड में अप्लाई कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, तो वहाँ लैंग्वेज कौन सी चलती है, उन माहौल को भी देखिएगा। वो ठीक है ये इंग्लिश में है, लेकिन जो है इन बातों का ख्याल करते हुए अपनी सीवी को डिज़ाइन कीजिए, प्रोफेशनल डिज़ाइन कीजिए और अपने लिंक्डइन को ठीक कीजिए, क्योंकि लिंक्डइन पे ज़रूर जाते हैं, याद रखिएगा। अपने लिंक्डइन का एड्रेस दीजिए अपनी सीवी के अंदर, कवर लेटर बनाइए वहाँ पर रेफरेंस दीजिए, और आपके पास जिस काम में अप्लाई कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास कोई रेफरेंस होना चाहिए, आपके पास लेटर्स होने चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होना चाहिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो आपका सही और गलत अप्लाई साबित हो जाएगा कि आप एप्लीकेबल हैं कि नहीं हैं। यहाँ पर ये तमाम काम जो है वो आपने करना है। हमारे पास ये प्रोग्राम जो है दो तरीके से अवेलेबल है, ये यूरोप गोल्ड का हिस्सा है, अगर कोई यूरोप गोल्ड में आता है तो उसको नीदरलैंड का ये प्रोग्राम मिल जाएगा, यहाँ पर अप्लाई होगा। और दूसरा हमारा यूरोपियन प्लैटिनियम प्रोग्राम है जिसका ये हिस्सा है, और आप नीदरलैंड प्लैटिनियम लेंगे तो ये डायरेक्ट इसी प्रोग्राम के अंदर ही अप्लाई होगा, फिर आपको वो दे दिया जाएगा, उसके अंदर आपको कंप्लीट किया जाएगा और फिर आपको उसमें ट्रेनिंग मिलती है, तमाम चीज़ें होती हैं जिससे सीखने के बाद आप नीदरलैंड के लिए कर सकते हैं। ये तमाम ये जो काम हो रहा है ना, ये जो नीदरलैंड कर रहा है आपके लिए, या वेबसाइट बना रहा है, या टिप्स दे रहा है, या ट्रेनिंग दे रहा है, या जॉब कैटेगरी देखिए सब तमाम चीज़ें कर रहा है, क्यों कर रहा है, ताकि आप अट्रैक्ट हों और आप अप्लाई करें। आपका काम ये है कि आप अट्रैक्ट अब हो जाएं और आप अप्लाई करें ताकि नीदरलैंड जो है वो आपको सर्विस दे, जॉब दे, इमिग्रेशन दे, आपको अकोमोडेट करें इन 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 यूरोप। तो ये तमाम अपॉर्चुनिटी, ये तमाम जगहें हैं जो लोगों ने छोड़ के बैठे हुए हैं, या अप्लाई करने के मूड में नहीं है, या अप्लाई करना चाहते नहीं हैं, या अप्लाई कर सकते नहीं हैं। नहीं कर सकते तो हम अवेलेबल हैं, अगर कर सकते हैं तो फिर सबसे पहले होमवर्क कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट को करेक्ट कीजिए, अपने आप को ठीक कीजिए इस हवाले से कि जो चीज़ें वो मांग रहे हैं उसके ऊपर पूरा उतरिए, डॉक्यूमेंट को पूरा कीजिए। अगर आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं प्लम्बर हूँ, तो आपके पास प्लम्बरिंग का क्या सबूत है, आपके पास कहाँ एक्सपीरियंस है, आपके पास क्या सर्टिफिकेट है, ये फ़िक्र आपने करनी है, उसे कहाँ से अटेस्ट करना है, ये फ़िक्र आपने करनी होती है। हम गाइड कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, हमारी पोजीशन को समझने की ज़रूरत भी है। यहाँ पर जो कंसल्टेंट होता है, कंसल्टेंट को अगर आप किसी कंसल्टेंट को कहते हैं ना एक्स वाई जेड को कि आपने मुझे भेजना है, या आप नहीं भेज सके, या आपको वो करना है, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाज़ बात यहाँ पर देखा गया है कि जो मुझे फीडबैक मिलता है मैं सुनता रहता हूँ और उसके ऊपर हम कमेंट नहीं करते, बिकॉज ये चीज़ें बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप सुनते हैं, समझदार हैं, और कहीं ये गलती कोई आपसे तो नहीं होने लगी जो आप सोच रहे हैं। वो ये कि फॉर एग्जांपल हमें लोग ये भी कहते हैं कि जी मैं 5 साल से जो है एग्रीकल्चर में हूँ, फाइन हो गया, ज़मीन मेरी अपनी है या मैंने ली भी है, व्हाटएवर जो भी हो गया, उसके बाद कहते हैं कि आप जो है ना मेरा एक्सपीरियंस लेटर बना दें, ठीक है, या आप मेरा बैंक स्टेटमेंट, इसमें बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, आप मेरा बैंक स्टेटमेंट बना दें, आप मेरा फलान लेटर बना दें। ये वो हमसे वो दो नंबर वाला बात मामला कर रहा होता है कि जी डॉक्यूमेंट जो है ना आप बनाना शुरू कर दें मेरे लिए, तो उसके आप बेशक पैसे ले लें मगर बना दें आप। सारे एजेंट बनाते हैं, सारे एजेंट जो कर रहे हैं उसके अंदर ऑब्जेक्शन देखे हैं आपने, उसके अंदर कभी आपने उनकी रिफ्यूज़ल सुनी देखी है आपने कभी, तो वो चीज़ें भी नोट कीजिएगा कि हमारे पास अगर आपने अप्लाई करना है तो लीगल प्रोसेस से अप्लाई होगा। लीगल प्रोसेस का मतलब ये है वो जाएगा जो एलिजिबल होगा। यहाँ पर 3 पार्टीज़ हैं, बुलाने वाले, प्रोसेसिंग करने वाले और जाने वाला। तो जाने वाले की जिम्मेदारियाँ भी हैं, बुलाने वाले की जिम्मेदारियाँ भी हैं, प्रोसेसिंग करने वाले की जिम्मेदारियाँ भी हैं। उन तीनों को बांटेंगे तो काम होगा, इंटरेस्ट लेंगे तो काम होगा। 2024 के अंदर आपने इंश्योर करना है कि जो बंदा यूरोप को टारगेट कर रहा है, मैं आप लोगों को उनकी ऑफिशियल पोर्टल्स दूंगा, जैसा मैंने ये आपको दिया है वेलकम टू नीदरलैंड। इस तरीके से अगर आप इनको यूज़ करेंगे डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।